एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोजिले की खबरें। दमोजिला मुख्यालय पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन का दौर शुरू हो गया है। घरों में विराजमान भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं को विसर्जन करने के लिए लोग तालाबों में पहुंच रहे हैं। इस बार प्रशासन के द्वारा दमोह जिला मुख्यालय के 4 तालाबों को विसर्जन के लिए चिन्हित किया गया है, जिसमें फुटेरा तालाब, पुरेना तालाब, बेलाताल और मुकेश नायक कॉलोनी के तालाब को चिन्हित किया गया है। जहाँ प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया है, तो वहीं इसके साथ ही नगर पालिका के माध्यम से लाइट इत्यादि की भी यहाँ व्यवस्था की गई है। यहाँ पर होमगार्ड के जवान भी तैनात किए गए हैं। साथ ही जलभराव की स्थिति को देखते हुए प्रशासन द्वारा मुस्तैदी के साथ काम किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बीच भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं का परंपरानुसार भक्तिभाव श्रद्धाभाव के साथ विसर्जन किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। Hello,
रुपया बेटा, बच्चे लोग ऊपर जैसा कहा कि गणेश विसर्जन हमारे शहर में चार जगह हो रहा है, एक फुटेरा तालाब, पुराना तालाब, बेला का तालाब, एक आपके नायक जी का तालाब करके है। वहाँ चारों जगह हम लोगों ने अच्छी व्यवस्थाएं कर ली हैं। हमारे वरिष्ठ अधिकारी गण सभी जगह घूम आए हैं। पीडब्ल्यूडी ने बैरिकेटिंग कर दी है, नगर पालिका की तरफ से लाइट और अन्य जो सुविधाएं होती हैं उपलब्ध करा दी गई हैं और हम बढ़िया तरीके से आपका गणेश विसर्जन कर रहे हैं। सर, देखा गया है तालाबों में जल भराव बहुत है इस समय, तो उसको लेकर क्या सुरक्षा के इंतजाम? बिल्कुल, होमगार्ड के हमारे जो तैराक हैं वो नियुक्त किए गए हैं सभी चार तालाबों में और अच्छी व्यवस्था है। बिल्कुल हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छे से हमारा ये गणेश विसर्जन हो।